everyone, welcome to Yes Bio again. Today we are going to discuss another part of biological classification chapter and this is all about fungi. So fungi discuss करना है हमने आज. Fungi जो है basically इसके अंदर organisms आते हैं हमारे multicellular organisms. So let us discuss some characteristics of kingdom fungi. Multicellular ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आएंगे. कुछ एक्सेप्शंस जो है वो यहाँ पर रहती है, लाइक यूनिसेलुलर ईस्ट जिसको वाइन इंडस्ट्री में, ब्रूअरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. उसके बाद हम बात करें, दीज आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली दे आर सेप्रोफाइट्स. शो ग्रेट डायवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. हम जब फंजाई की बात करते हैं तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है. अलग अलग तरह की फंगस जो है हमें यहाँ पे दिखाई देंगी. उसके बाद हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट भी इनकी अलग अलग है. लाइक दे कैन ग्रो ऑन एक्वेटिक कंडीशन, दे कैन ग्रो ऑन जो हमारी वेट वुड्स होती है वहां पे ये ग्रो कर जाते हैं. सो दे आर हैविंग डाइवर्स हैबिटेट इन मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफाइट्स. हेटरोट्रॉफिक मोड कौन सा है इसके अंदर? सेप्रोफाइट्स. बट दे कैन बी पैरासाइट, दूसरों की बॉडी के ऊपर या उनके अंदर भी ग्रो कर सकती हैं. या फिर हम बोल सकते हैं दे कैन बी सिम्बायोन्ट्स. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था माइकोराइजा और लाइकन्स के बारे में. माइकोराइजा एक एसोसिएशन है जिसके अंदर एक हायर प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर फंगस रहना स्टार्ट कर देती है. उस एसोसिएशन को, म्यूचुअल एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा. और एक इसी तरह से लाइकन्स है. लाइकन्स के अंदर क्या होता है, फंजाई एल्गी के साथ रहना शुरू करती है और दोनों ही एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के अंदर वो रहते हैं. सो देयर इज माइकोराइजा एंड लाइकन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये. उसके बाद हम बात करें रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के अंदर तीनों ही मेथड, लाइक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा यहां पे रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फंगस जो है वो तीनों ही मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकती है. सो रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ वेजिटेटिव टाइप. वेजिटेशन, वेजिटेटिव की हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या है, इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म टुकड़ों में टूट जाता है बाय एनी मीन, और हर टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म हमारा रीजनरेट हो जाता है. नेक्स्ट है फीजन. फीजन के अंदर चीजें जो है वो टूट जाती है एक से दो में या एक से बहुत सारे में. सो हम बोल सकते हैं बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन हियर. नेक्स्ट है बर्डिंग. बर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. बर्ड्स जो है वो मेन ऑर्गेनिज्म से डिटैच करेगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म वहां पे डेवलप हो जाएगा. उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे स्पोर्स की. स्पोर्स कौन से हैं यहाँ पर? कॉनिडिया स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स एंड जू स्पोर्स. जू स्पोर्स जो है वो मोटाइल स्पोर रहते हैं. जू वर्ड इज फॉर मोटाइल, यानी कि एनिमल्स की बात करते हैं और एनिमल्स जो है मूव कर सकते हैं. सो बेसिकली जू स्पोर्स इज फॉर मोटाइल. नेक्स्ट सेक्सुअल स्पोर्स की मैं बात करूं, बेसिकली यहाँ पे स्पोर्स की ही रहेंगी, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, स्पोर्स बनेंगे. स्पोर्स जो है वो कैरी किए जाएंगे किसी भी मीन से, लाइक एयर है, वाटर है, कोई भी मीन हो सकता है. जैसे पोलन ग्रेन कैरी किए जाते हैं उसी तरह से स्पोर्स भी इधर उधर घूमेंगे और जैसे ही उनको अपना फेवरेबल हैबिटेट दिखाई देगा वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे. तो जो जू स्पोर्स है वो हमने बोला मोटाइल स्पोर्स है, वो एसेक्सुअल स्पोर्स है. सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर के अंदर डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो बिना किसी फ्यूजन के बने हैं, यानी कि एक ही गैमेट से बन चुके हैं. देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और देयर इज नो फ्यूजन ऑफ स्पोर्स. लेकिन जो सेक्सुअल मींस है दे आर विद फ्यूजन, दो गैमेट फ्यूज करके एक स्पोर बना रहे हैं यहां पर. लाइक ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स, तीन तरह के स्पोर्स यहाँ पे रहेंगे. और ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्पोर्स वी आर हैविंग द क्लासेस ऑफ फंजाइ. ओके, नाउ वी आर हैविंग सेक्सुअल साइकिल जब भी होगी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगी यहाँ पर तीन स्टेप रहेंगे. फर्स्ट स्टेप इज प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मोगेमी के अंदर सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज करेगा. प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं हम? सेल के अंदर न्यूक्लियस को मैं एक्सक्लूड कर दूं तो जो बाकी जो बचा है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. सेल के अंदर से न्यूक्लियस हटा दो तो जो भी बचता है एक सेल के अंदर उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. तो सबसे पहले यहां पर फ्यूजन होगी प्रोटोप्लाज्म की बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स. एक मोटाइल गैमेट रहेगा और दूसरा नॉन मोटाइल गैमेट रहेगा. उसके बाद फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, उन सेल्स का जो न्यूक्लियस बच गया वो भी फ्यूज होगा. और कुछ फंजाई के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन प्रॉपर नहीं होता, वो एक डाइकैरियन स्टेज में आकर रह जाते हैं, एन प्लस एन कंडीशन में. ये कंडीशन क्या है, जब एकदम से न्यूक्लियस फ्यूज ना करके कुछ टाइम के लिए वो एन प्लस एन कंडीशन में रह गया है और उसके बाद वो टू एन कंडीशन में आएगा, इनके डिप्लॉइड कंडीशन में आएगा. जिनके भी अंदर ऐसा होता है उसको बोलते हैं हम डाइकैरियन स्टेज या डाइकैरियन फेजेस. हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. न्यूक्लियस जब फ्यूज हो जाएगा उसके बाद होती है मियोसिस. मियोसिस में क्या रहेगा, समझो बात को,
फॉर एग्जाम्पल एन प्लस एन फ्यूज हुआ, लेटर ऑन इट विल बिकम टू एन, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के अंदर होगी मियोसिस, ताकि जिस ऑर्गेनिज्म को हमने स्टार्ट किया था एन से, जो उसके प्रोजेनी है वो भी एन ही बने, यानी कि हैप्लोइड ही बने। यहाँ पे हमने हैप्लोइड से स्टार्ट किया, लेकिन जाइगोट फ्यूजन के बाद डिप्लोइड बन चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्पोर चाहिए हमें हैप्लोइड। तो बेसिकली दोबारा से हैप्लोइड स्पोर के लिए हमें चाहिए मियोसिस। तो 2n के बाद कैरियोगैमी से हमें 2n ऑर्गेनिज्म मिला, यानी कि जाइगोट जो मिला 2n मिला, लेकिन हमें स्पोर्स कैसे चाहिए, हैप्लोइड। तो क्या होगी, मियोसिस होगी। इन जाइगोट रिजल्ट्स इन हैप्लोइड स्पोर्स, और ये हैप्लोइड स्पोर फिर से जर्मिनेट करके एक हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म ही बनाएगा। ये जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी हम यहाँ बोल सकते हैं, कि डिप्लॉयड हमारा क्या था, जाइगोट था, वो हैप्लोइड क्या बना रहा है, स्पोर बना रहा है, ताकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है दैट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट, अब बेसिस है जो है क्लासिफिकेशन का, फंजाई की क्लासेस का जो हमारा बेस है वो क्या है, किस बेसिस पर अब फंजाई को अलग करोगे, क्लासेस को कैसे अलग करोगे, उसके बेसिस क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम क्या है, फंगस जो है बेसिकली इनके थ्रेड्स दिखाई देते हैं, यही इसकी प्लांट बॉडी है, या जो भी हम इसका ऑर्गेनिज्म की बॉडी बोले, इट इज ओनली अबाउट द बॉडी, माइसीलियम हम यहाँ बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी कैसी है माइसीलियम की, माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है, एसेप्टेट है, यूनि न्यूक्लिएट है, या हम बोल सकते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो उसके बेसिस पे हम जो क्लासेस है उसको डिवाइड करेंगे। दूसरा जो हमारा बेस है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जो है वो किस तरह से बनी है, उसके अंदर एसेक्सुअल मेथड कौन सा था, उसके अंदर सेक्सुअल है तो सेक्सुअल मेथड कौन सा था, इस बेसिस को भी हमने यहां देखना है। फ्रूटिंग बॉडीज, स्पोरेंजियोस्पोर, यानी जो आपका फ्रूटिंग बॉडी है वो कैसा है, किस बेसिस पे हमने उसको सबको अलग किया है, वो भी हमने यहां देखना है। दीज थ्री थिंग्स, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर सीबीएसई के अंदर, व्हाट इज द बेसिस फॉर द डिविजन ऑफ किंगडम फंजाई इनटू वेरियस क्लासेस, आपका बेस क्या है, जिसकी जिस चीज पे आपने किंगडम फंजाई को अलग अलग क्लासेस में रखा है। तो फर्स्ट रहता है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सेकंड रहेगा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड रहता है यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज। ये तीन बेसिस हैं जिसके बेस पे हमने फंजाई क्लास को अलग अलग किया है। नेक्स्ट, एक डायकेरियम फेज मैंने बताया था आपको, ये सिर्फ होता है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली फ्यूज नहीं होता, यदि एकदम से फ्यूज हो जाता तो वो 2n ही बनाता, बट यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं n प्लस n। इसको आप ना तो हैप्लोइड बोल सकते, ना आप इसको डिप्लॉयड बोल सकते, आप इसको बोलोगे कि भाई ये जो स्टेज है ये हमारी क्या है, डाइकैरियन स्टेज। इस कंडीशन को डाइकैरियन बोलते हो और स्टेज को आप बोलते हो डाइकैरियोफेज। कंडीशन को डाइकैरियन और फेज को बोलोगे डाइकैरियोफेज। इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने कौन कौन सी क्लासेस में फंजाई को डिफरेंशिएट किया है, क्लासिफाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग फाइकोमाइसिटीज। सब में हमने तीन चार चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द माइसीलियम, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन मेथड, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट विल बी द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग हैबिटेट। हैबिटेट की मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे आपको, पहले ही बताया था हैबिटेट जो है फंजाई की, दैट इज सो मच डाइवर्स, मॉर्फोलॉजी इज ऑल्सो डाइवर्स। एक्वेटिक, और ये आपको मिलेंगे डिकेइंग वुड्स पे, जो वुड्स खराब हो जाती हैं, जो या फिर जो आपके ट्रीज हैं उसकी जो तना है, स्टेम है, वो डिके होना शुरू कर देता है, तो वो उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देती है। या हम बोल सकते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेटली पैरासाइट भी है। ऑब्लिगेट का मतलब है ये सिर्फ एज अ पैरासाइट ही रह सकती है, कोई और मोड नहीं ले सकती। उसके बाद है माइसीलियम, माइसीलियम रहेगा एसेप्टेट। एसेप्टेट है तो हमेशा याद रखना सिनोसिटिक कंडीशन, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन रहेगी। कैसे रहेगी, फॉर एग्जांपल ये एक थ्रेड है, माइसीलियम है, और ये पूरा एक माइसीलियम है, लेकिन इसके अंदर दीवारें नहीं है। ए का मतलब होता है एब्सेंस, सेप्टेट का मतलब होता है वॉल, सेप्टेट इज वॉल, मीन्स एब्सेंस ऑफ वॉल। So, इस पूरे थ्रेड में कोई वॉल नहीं है, तो न्यूक्लियस जो है आपको ऐसे ही पड़े नजर आएंगे, तो आपको लगेगा कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, एंड द कंडीशन विल बी सिनोसिटिक कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन का मेथड, वही तीन मेथड्स हैं यहाँ पर, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। वेजिटेटिव सबके अंदर सेम रहेगा, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग रह सकती है, फ्यूजन रह सकता है।
एसेक्सुअल की मैं बात करूं, यहां पर रहते हैं आपके जू स्पोर्स या फिर आप बोल सकते हैं एप्लेनोस्पोर्स। क्या है? जू स्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स। और ये एंडोजिनस है, एंडोजिनस का मतलब ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर है, राइट। एक्सोजिनस की जब मैं बात करूंगी, फॉर एग्जाम्पल ये कोई फ्रूटिंग बॉडी है वो बाहर प्रोड्यूस होंगे, लेकिन एंडोजिनियसली जब मैं बात कर रही हूं सो वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड द स्पोरेंजिएट। क्लियर? सो दीज आर एंडोजिनियसली प्रोड्यूस्ड जू स्पोर्स और हम बोल सकते हैं एप्लेनोस्पोर्स। सेक्सुअल मेथड इज थ्रू जाइगोस्पोर, दो गैमेट यहां पे फ्यूज करेंगे और आपका जाइगोस्पोर बनाएंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग वेजिटेटिव, अगेन बर्डिंग आपका आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन एंड फ्यूजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल आप याद करोगे रैम या फिर राम, यहां बोल सकते हो रैम वर्ड से याद रखोगे आर ए एम। रैम में आर स्टैंड्स फॉर राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड पे ये लगता है। ए फॉर एल्ब्यूगो, ये एक पैरासाइट है किसके ऊपर, मस्टर्ड प्लांट सरसों के पौधे के ऊपर। एम फॉर म्यूकर, म्यूकर इज कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस का मतलब है जो काओ डंग के ऊपर ग्रो करता है। क्लियर? कैप्रोफिलस मतलब जो काओ डंग के ऊपर ग्रो करता है, म्यूकर इज अ टाइप ऑफ कैप्रोफिलस। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे फंजाई, फंजाई के अंदर हमने बात की कि भाई सबसे डाइवर्स हैबिटेट यहां मिलती है, सबसे डाइवर्स मॉर्फोलॉजी यहां मिलेगी। बेसिकली ये हाइड्रोट्रॉफिक है और सबसे ज्यादा यहाँ पे सेप्रोफिटिक आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे इसके अंदर। और हम बात कर सकते हैं कुछ इसमें पैरासाइट है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ भी मिल जाएंगे, लाइक लाइकेंस है आपका, माइकोराइजा है यहाँ पर। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये मल्टीसेलुलर है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर रहेगा। रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे। फिर हम बात कर सकते हैं सेक्सुअल साइकिल की। सेक्सुअल साइकिल के अंदर तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहले होगा क्या, प्लाज्मोगेमी, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं कर पाते, एक डाइकैरियन स्टेज जो है यहाँ पे मिल जाती है। एंड दैट विल बी सीन इन ओनली एस्कोमायसिटिस एंड बेसिडियो, फाइको के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके बाद बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन के बेसिस की मैं बात करूं, माइसिलियम की मॉर्फो कैसी है, दिखाई कैसा दिखता है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज कैसी है या फिर उसका जो फॉर्मेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है, और उसके अंदर भी कौन से तरह के स्पोर फॉर्म हुए हैं, ये सब बेसिस हैं किसका, क्लासिफिकेशन का। आज हमने पढ़ा फाइकोमाइसिटिस। हैबिटेट की मैं बात करूं, एक्वेटिक डिकेइंग वुड्स पे आपको मिल जाएगा या फिर एज अ पैरासाइट ऑन सम प्लांट्स। उसके बाद माइसीलियल जो है एसेप्टेट है, यानी कि कोई वॉल प्रेजेंट नहीं है, सिनोसिटिक कंडीशन हो जाएगी। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के अंदर आप बात करोगे जू स्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स। सेक्सुअल के अंदर जाइगोस्पोर जो कि दो गैमेट्स के फ्यूजन से बना है, एंड वेजिटेटिव एग्जाम्पल है रैम से याद करना है हमने इसको, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो एंड एम फॉर म्यूकर।